नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। सच जो आप जानना चाहते हैं, ऐसे न्यूज की टीम आज हम पहुंची है ककोट जिला बागेश्वर उत्तराखंड में, जहां पर हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में ये कहा जाए कि गणित के क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक जो गणितज्ञ हैं उनके बराबरी कार्य कर रहे तो कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार भारत को आगे बढ़ाने में भारत के गणितज्ञों का बहुत योगदान रहा है, चाहे वो आर्यभट्ट हों या बोधायन हो, नारायण पंडित हों या रामानुजम हों, इन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया था, जिस बदौलत भारत विश्वगुरु था। आज एक बार फिर से भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, जिसमें समाज के कई लोगों का बड़ा योगदान रहेगा। उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर हैं उनका परिचय मैं आपके साथ कराता हूँ। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए ऐसी न्यूज में। मैं हरिमोहन सिंह एठानी जी, ककोट नगर पंचायत का हूँ और एठान गाँव का हूँ जी। तो आपने गणित के क्षेत्र में क्या क्या कार्य उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिसके लिए आपको कई पुरस्कारों से यहाँ पर नवाजा गया है? अभी जो भी मुझे जितने भी अवार्ड मिले हैं या रिकॉर्ड मिला है, मेरी जो शुरुआत हुई गणित का जो भी कार्य है 2009 से शुरू हुआ किया मैंने। 2009 से मैंने जो है मैजिक पजल बनाने शुरू किया। मैंने मेरा जो रिकॉर्ड है 12 से 60 घंटे यानी 53 दिन में मैंने जो है 48,000 मैजिक स्क्वायर बनाए हैं, और मैजिक स्क्वायर मैंने बिना कैलकुलेटर के। आपने जो वर्ग पहेलियाँ बनाई वो बहुत कम समय में जो वर्ग पहेलियाँ बनाई, उसके बारे में आपने जो कार्य किया है उसके क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार लिमका मुझे उसके क्षेत्र पहले मुझे जो मिला 2014 में नेशनल लिमका रिकॉर्ड मिला मुझे। अच्छा जी। उसके बाद मेरी उपलब्धि को देखते हुए मुझे नेशनल लिमका बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया मुझे जी। उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए अभी तक जो मैंने कई जैसे गणित से रिलेटेड मैंने कई सिद्धांतों को कर रखा है, मैंने अपने तरीके से मैंने प्रूव करने का प्रयास किया, जैसे द्विघात समीकरण है या हीरोन का फॉर्मूला है या कई अन्य चीज़ें हैं। तो मेरे उपलब्धि को देखते हुए मुझे जो कम से कम समय में यानी 15 दिन के लगभग मैंने जो मेरा रिकॉर्ड है 15 दिन के लगभग मैंने जो है सारी चीज़ें मैंने सत्यापित किए हैं। और अभी तक जो है मैंने जो मेरे 2 अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी पब्लिश हो चुकी है। अच्छा जी। क्योंकि मैंने जो है एक अनसॉल्वड पजल सॉल्व किया था मैंने 2018 में जी। तो उसको मैंने जो है 15 दिन के अंदर मैंने सॉल्व किया था, तो उससे रिलेटेड मेरे जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको जनरल मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। जो आपको विशेष ख्यात मिली, मैंने सुना कि आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ इन वर्ग पहेलियों को सुलझाने में, या यहाँ तक कितनी सच्चाई इसकी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। मेरी जो उपलब्धियाँ हैं, जो मुझे इतना मुकाम मिला है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरी शुरुआत हुई है, और मैंने जो मैजिक पजल्स बनाए थे मैंने वहीं से मैंने जो है इतने सारे कुछ प्राप्त किया है। तो वो हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं जो जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जितने भी अवार्ड मिले मुझे जी, ये हमारे साथ हरिमोहन एठानी जी जिनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पुरस्कार मिला है। जरा आप स्क्रीन पर दिखा देंगे इसको, लिखा है हरिमोहन एठानी लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मुझे, ये 2015 में मिला था। अच्छा जी। इसकी बल्कि मेरी किताब भी जो जिसमें मैंने बनाए 450-60 पेपरों में और 13 किलो भी है, अभी बाद में दिखाया जाएगा आपको जी। ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और क्या क्या है और पुरस्कार? उसके बाद जो है यह है लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड। वो वाले और इसमें क्या है, दोनों सेम है? ना, ये नेशनल होता है, वर्ल्ड होता है। अच्छा जी। नेशनल मिलना ही काफ़ी टफ है, लेकिन वर्ल्ड तो और टफ रहता है जी। बल्कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो लिम्का रिकॉर्ड तो वैसे इंडिया का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है जी। अभी भारत के वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड स्तर के जो है सबसे वर्ल्ड स्तर की दुनिया की मतलब जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिकॉर्ड संस्था है। अच्छा जी। फर्स्ट में तो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड में लिम्का रिकॉर्ड। बहुत बड़ी ख्याति है इतने दूर क्षेत्र से आपने गिनीज में। मैं बनाता नहीं गिनीज में, उस टाइम पे मेरे पास वीडियो मेरी जरा मिस हो गई है जी। जी, अगर वीडियो होती तो मैं जरूर गिनीज का रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र हो जाए आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कार्य को देख करके लगता है कि
आप जो कार्य कर रहे हैं उसको मुकाम मिलेगा और आपकी मेहनत वास्तव में रंग भी ला रही है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा ईठानी जी, आप इतने मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, बोला जाता है ना गणित को एक नीरस विषय के रूप में लोग जानते हैं, कहते हैं कि गणित बहुत टफ है, तो आपका क्या मानना है गणित के बारे में? देखिए सर, आप गणित को नीरस जरूर मानते हैं, अभी भी जो है अच्छे खास पर पिछले छूट जाते हैं गणित विषय जब आता है। मैं स्कूल में देखता हूँ, विद्यालय में देखता हूँ, कहीं पर भी मैं जो है कॉलेजों में हम सुनते हैं कि मतलब हर विषय उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन गणित में कहते हैं कि मतलब गणित जो है बहुत ही टफ विषय है। अगर हम कहें कि अगर सब्जेक्ट को हटाया जाए जी, तो किसको हटाया जाए, तो मोस्टली मतलब स्टूडेंट आज के जो जनरेशन युवा पीढ़ी क्या कहेगी, गणित को हटाया जाए। अच्छा, तो नीरज ने गणित तो अपने आप में एक साहित्य है ना। मैंने सुना कि गणित को मेंटल हेल्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल। अगर दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखना है, अगर मैं कहता हूँ गणित एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों की जननी है, मतलब कहने का मतलब यह है अगर जिसको गणित आती है, जो गणित में परफेक्ट है, उसके अंदर लॉजिकल कैपेसिटी, तार्किक क्षमता उसकी बढ़ेगी, वो हर चीज़ में परफेक्ट होगा। जी जी, जैसा भारत का भी एक रहा स्टाइल रहा है कि हमारे देश में पहले से ही ऋषि मुनियों की तपस्या है या उनकी जन्मभूमि का है, या महापुरुषों ने यहाँ काफ़ी योगदान दिया है। बिल्कुल सर, है ना, विश्व गुरु बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, अतुलनीय योगदान था। एक बार फिर से पूरे देश में ये चीज़ की मुहिम चले कि भारत विश्व गुरु बने। बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, आपका जो गणित का जो हम एक उल्लेखनीय योगदान देख रहे हैं, इसमें आपने जैसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इसमें आपने जिक्र किया, आपको मिला भी है, और अन्य कौन कौन से ऐसे पुरस्कार मिले आपको? अभी सर, अभी जो मिले हैं, ये है अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स। जी, अच्छा, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स। ओके, और यहाँ तो आपका पूरा अंबार लगा है। दर्शकों, ये हरिमोहन ऐठानी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनका जो उल्लेखनीय योगदान गणित के क्षेत्र में रहा है वो आप देख रहे हैं। मैक्सिमम मैजिक स्क्वायर अवार्ड, यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम, अच्छा, ये भी नंबर नामी संस्था है जी, उन्होंने आपको पुरस्कृत किया। बिल्कुल, ये शुरू में क्या था जी, मेरी जो है उपलब्धि को देखते हुए, ये स्टेट बुक ऑफ अफ्रीकन रिकॉर्ड है। अच्छा जी, जितना मैंने काम किया है उसके बदले में मुझे बुलाया, उसकी उपलब्धि को देखते हुए। अच्छा जी, ये पांडिचेरी बुक ऑफ रिकॉर्ड है। अच्छा, ये पांडिचेरी सरकार की ओर से? बिल्कुल, हाँ, पांडिचेरी स्टेट की संस्था है। इसमें जो है यह है ओम जी बुक ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, ओम जी बुक, ओम जी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये भी संस्था, ठीक है ठीक। यह नेशनल रिकॉर्ड है। अच्छा जी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से ऐठानी जी के पास रिकॉर्डों का अंबार है, और अगला है मैक्सिमम मैजिक स्क्वायर के लिए वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स, इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं। शुरू में मिला था मुझे, अच्छा, 2015 में मैजिक स्क्वायर पे ही मिला मुझे। अभी आपको वो 13 किलो का जो जिसमें इन्होंने मेहनत की है वो भी आपको दिखाया जाएगा। ये बंगाल बुक ऑफ रिकॉर्ड है जी, उपलब्धि को देखते हुए दिया गया जी। ये केरला बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जी। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो, ऐसे शिक्षक जो समाज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, खासकर गणित के क्षेत्र में बच्चों की जो रुचि नहीं होती उस रुचि को पुनः जागृत कर रहे हैं हरिमोहन ऐठानी जी, उनको अगला अवार्ड भी मिला है। यह इन्फिनिटी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जी, ये जो मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी हल की थी, अच्छा जी, 15 दिन के अंदर उसके बदले मुझे मिला है जी। कम से कम समय में मैं अपना टैलेंट आंकना चाहता था, मैं कितना भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ जी, तो 15 दिन के अंदर मैंने इसको हल किया है, अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी है। ये यूनिक रिकॉर्ड है। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अपने तरीके से हल किया है, कम से कम समय में, कम से कम समय में, द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण। यह है डायनेमिक रिकॉर्ड, डायनेमिक ऑफ रिकॉर्ड ठीक। ये मैंने हीरोन का फॉर्मूला निकालने के वाला जो है मैंने अपने तरीके से प्रूव किया है, कम से कम समय में। हीरोन फॉर्मूला जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस फॉर्मूला है। बिल्कुल जी, अगला है विक्टोरियस पेरिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी क्वेश्चन मेथड ऑफ बेरिक्सन, इतने रिकॉर्ड हैं जी, ये मान के चलिए अभी काफी समय लग जाएगा जितने रिकॉर्ड इनके पास है।
जो यहाँ पर उनको प्राप्त हुए हैं उनकी मेहनत की बदौलत, ये एक्सक्लूसिव बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जी मेजर स्क्वायर पर मिला है। ये है कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एपीजे अब्दुल कलाम जी की उनके नाम की संस्था है। अच्छा, उन्होंने मुझे दे रखा है। ओके, आसाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक। यह है इन्फिनिटी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह है इंटरनेशनल टेनेंट ऑफ रिकॉर्ड। ओके ठीक। अगला रिकॉर्ड है अठानी जी को जो प्राप्त हुआ है, एवरेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेगा स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेगा स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दे रखा है अभी। ठीक। ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो okay. मैंने काम किया किसी संस्था ने दिया मुझे, रिकॉर्ड संस्था है, रिकॉर्ड संस्था है। ठीक। ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिकेशन है जो मैंने थ्योरी हल करके थी जी. जो मेरा जर्नल पब्लिश हुआ है जी, उसी का सर्टिफिकेट है जी जी। तो एक जर्नल भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे अभी प्रकाशित हुआ है, ये जर्नल है। ठीक। तो ऐसे महान शख्सियत जो हमारे बीच में है, यह है वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा और भी रिकॉर्ड मुझे मिले हैं जी, कुछ यहाँ पर लगाए गए ऊपर ये जी, मैं जीनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये तेलंगाना संस्थान दिया था जी, और बाकी अन्य कई अवार्ड मिले हैं। ओके, बाकी ये अवार्ड है मेरे, कुछ मैंने अभी जो है निकाले नहीं है मैंने, जो मेरे अभी अवेलेबल है। लगभग मैं अभी तक जो है नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जितने भी सर्टिफिकेट हैं मुझे 35 पूरे कर चुका हूँ मैं। ये बहुत आपने मेहनत की, उम्दा मेहनत की है जिसकी बदौलत आपको आपके धन्यवाद दिया गया है। यह इंटरनेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड जी का प्रमाण पत्र है मेरे कब्जे में, देखते हुए ये जो है इंडिया यंग अचीवर अवार्ड 2019 मिला था उपलब्धि के हिसाब से। ये प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, अभी जो मेरा अभी जो अभी करंट अफेयर्स में देख रहा हूँ, कई ब्लॉगरों ने अब मार्च के महीने में कई राइटर ने मेरा मेरे जो अचीवमेंट जो मेरा नाम है उनको करंट अफेयर्स में डाल दिया है। ओके जी, सामान्य ज्ञान में डाल दिया है, यहीं से डाला मेरा। हो सकता है कहीं क्या कहते हैं कि ये कंपटीशन में और किताबों में भी आ गया है, मैंने सुना था, मतलब जो है ठीक प्रतियोगिता दर्पण है या कहीं और ना, क्योंकि जीके ये चीज़ें जो है किसी भी तरीके से बन सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे मेरे नाम से बनने चाहे मेरे जिले से बन रहे हैं, वो तो उनको बनाने का तरीका है कई जगह, मतलब जो है अठानी जी जो आपने काम किया वास्तव में बहुत ये जो योगदान हम कह सकते हैं गणित के क्षेत्र में आपने किया है। ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेशन यह है नेशनल जूरी अवार्ड। अच्छा जी, ये मेरे काम को देखते हुए एक स्टेट के एक आदमी को मिलता है मुझे। अच्छा जी। और ये है आपका अगला इंडिया स्टार प्राउड अवार्ड 2019 मेरे उपलब्धि को देखते हुए। और अगला पुरस्कार फिर देख रहे हैं आप आपकी ये भारत भूषण अवार्ड, भारत भूषण अवार्ड। ये है वृक्ष अवार्ड, वृक्ष बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा इंडियन आइकन अवार्ड, इंडियन इंडिपेंडेंट अवार्ड, अन्य कई चीज़ें हैं और मतलब जो है मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है, शायद मिस हो रही होंगी कहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने इतना मेहनत करके आपने जो अपनी मेहनत लगाई है वास्तव में उस मेहनत का प्रतिफल ही है कि आपको इतने पुरस्कारों से नवाजा गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप गणित के क्षेत्र में और भी ज़्यादा काम करेंगे जिससे कि हमारे जो नई युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं उनकी गणित में रुचि बढ़ेगी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं अवश्य में आज की युवा पीढ़ी जो है जो गणित से दूर भाग रही है, जो गणित से डर रहे, जो उनके मन में डर है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है। गणित अगर आपका मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी अगर इच्छा है, मतलब थोड़ा आप प्रयास कीजिए, अगर आप सुबह आपको नींद आ रही है जी, आप गणित शुरू करेंगे तो आपकी नींद भाग जाएगी जी, आपको मुँह धोनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। गणित एक ऐसी चीज़ है, अगर इंटरेस्ट है जब तो सारी चीज़ें, मैं तो कभी कभी जो बार बार एक एक बजे तक भी लगा रहता था, मैंने लगा रहता हूँ, अब अभी भी लगा रहता हूँ। ठीक। कई नाइजीरिया वाले, कई इधर उधर वाले पूछते हैं, मैं कोई स्टूडेंट पूछते हैं सर आप हमें गाइड कीजिए, कई प्रोफेशनल लोग भी हैं यूपी में, इधर उधर विदेश में पूछते रहते हैं, मैं करते रहता हूँ, मैं ठीक बताते रहता हूँ। अठानी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ,
कि भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें शैक्षिक तौर पर भी मजबूत रहना पड़ेगा, आध्यात्मिक तौर पर भी मजबूत रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मजबूत रहना पड़ेगा। ये दो क्षेत्र तो है ही, शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में भारत काम कर ही रहा है। आध्यात्म के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आध्यात्म गुरु हमारा जो हमारा भारत जो शुरू विश्व गुरु रहा है पहले से, अभी भी कई संत लोग कार्य कर रहे हैं इसके प्रति, मतलब जो एक से एक संत कार्य कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी संत रामपाल जी की बात आती है जी, जो उनके भी अनुयायी हैं यहाँ पर जो है, मैं सुनने में आ रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि जो है उनके जो सिद्धांत हैं, जो जिस हिसाब से जो उनके मतलब जो है मेन चीज़ें हैं, मतलब जो बता रहे हैं, जो उनका मतलब वह है, उसके हिसाब से मुझे लगता है मतलब कि जो है जो आज समाज में जितना नशा कर रहे लोग, नशे कई लोग जो है नशे से मुक्त हो गए जी, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मतलब जो है बहुत बड़ा मतलब कलंक है समाज पूरे समाज के लिए, क्या परिवार के लिए, क्या कई घर उजड़ गए हैं, कई परिवार ठंड खराब खत्म हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक सराहनीय प्रयास है उनके जो विचार हैं जी। और दूसरा जो है जो दहेज प्रथा जो बहुत बड़ा कलंक है समाज के लिए जी, एक गरीब जो है अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, उसके पास इतना सारा कुछ नहीं होता, आज के महंगाई के ज़माने में जो है बहुत टफ रहता है चीज़ें, मतलब जो है गरीब कैसा अपना पेट पाल रहा है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना पढ़ाने के बाद भी जो है उसके बाद दहेज की बात आती है, दहेज की मांग होती है। तो दहेज के को दूर करने के, दहेज की प्रथा को दूर करने के लिए उनका भी एक अतुलनीय योगदान रहा है। बहुत बड़े मुद्दे हैं दोनों समाज के, मतलब जो है परिवार के क्या है जी। तो वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है ना समाज में दहेज को समाप्त करना और नशे को दूर करना समाज से, तो ये जो बड़ा योगदान है, जिस प्रकार से आप अपने गणित के क्षेत्र में कर रहे हैं, उस प्रकार से आध्यात्मिक के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज का भी अतुलनीय योगदान है। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ही भारत विश्वगुरु बनेगा इसी विचारधारा के साथ। अब हम आपका वो मेहनत देखना चाहेंगे जो आपने 13 किलो की जो बुक बना रखी है, बिल्कुल उसको देखना चाहिए जी। तो दर्शकों, ये वो बुक है जिसमें उन्होंने पूरी मेहनत की है, 13 किलो की बुक है। अठानी जी ने जो मेहनत किया है इसमें, उसको आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा डिटेल से देखा, तीन बाई तीन वाला है। अच्छा जी, मेहनत की है, मैजिक स्क्वायर बना रखे हैं इसमें। एक मैजिक स्क्वायर को आप समझा दीजिए, एक को समझा दीजिए। जैसे ये 4x4 का है। अच्छा जी, ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, 3x3 से शुरू होते हैं, 4x4, 5x5, 6x6। अच्छा, ये मैंने 4x4 का जो बना रखा है, इसमें जो है 16 खाने हैं, 16 ग्रिड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जी। इनको हम आड़ा, तिरछा, सीधा कैसी भी जोड़े उसका योग जो समान आएगा। अच्छा, समान आएगा उसको, मतलब आप उसको तिरछा जोड़े, स्तंभ में जोड़े, या उसको आप चाहे हम लाइन में जोड़े, स्तंभ वाइज जोड़े, चाहे पंक्ति वाइज जोड़े, चाहे तिरछा जोड़े, ठीक, डायगोनली जोड़े, बिल्कुल कैसे भी जोड़े हम, उसका योग समान आएगा। और एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगी। अच्छा जी, ये 4x4 का है, ठीक। तो ये जो आपने बनाए, टोटल बनाए कितने आपने? मेरा 48,000 के रिकॉर्ड है, 48,000 मैजिक स्क्वायर। अच्छा, तो ये 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, ठीक, 11x11, 12x12, 20x20। ये भी आधा ही पूरा आएगी? ना ना, ये जो आप खोल रहे हैं इसको, ये तो अभी जो है अभी तो शुरुआत ही हो रही है, पूरा वहाँ तक होगा पूरा है ये पूरा। अच्छा जी, अच्छा, ये संख्या जो है ना 1, 2, 3 ऐसे जोड़ करके जो है 48,000 है, ठीक। ये देखिए जो बड़े वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने कितने इसमें वो हैं खाने हैं, यानी कहने का तात्पर्य 10x10 वाला, 10x10, और ये नीचे वाला 10x10 वाला है। मैजिक स्क्वायर के अंदर मैजिक स्क्वायर भी है, देखिए, ठीक ठीक ठीक, सब मैजिक स्क्वायर। तो ये हरिमोहन अठानी जी ने जो मेहनत की है वो यहाँ पर आपको दिख भी रही है, क्योंकि ऐसा प्रयास बहुत कम आज के समय में किया जाता है। पहले हमारे जो देश के गणितज्ञ थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। बिल्कुल सर। तो आज के क्षेत्र में आधुनिक
रामानुजम कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी आपको। खैर ये मैं अपने मेरे प्रयास है, मेरी हॉबी है और मेरे अभिलाषा है कि मतलब मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मुझसे कोई अगर कोई अगर अगर कोई स्टूडेंट्स कोई अगर आज की युवा पीढ़ी कुछ मार्गदर्शन लेना चाहती है या प्रेरणा लेना चाहती है तो मेरे लिए इससे बहुत बड़ी बात, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होगी। तो बाकी मैं क्या हूँ क्यों नहीं मेरा कार्य है। जी 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 रामानुजन तो रामानुजन थे, खैर वो तो अब वो तो अतुलनीय है। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मुझसे जानकारी ली, मेरी उपलब्धि के बारे में जानकारी ली, उसके लिए आपका हार्दिक आभार।